नोटिफिकेशन पाए बर हमर चैनल सब्सक्राइब करो। अपने मन में भी था कि नहीं, 5 साल और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी लें, इस बार मन में नहीं आ रहा। यही मैंने कहा, मेरे मन में नहीं आ रहा। क्या परिस्थिति बनेगी, क्या होगा, ये तो भविष्य में है, लेकिन हर 5 साल का अनुभव अलग रहता है, उसके हिसाब से आदमी निर्णय अपना करता है, फिर साथियों से सलाह करता है। तो साथियों से बातचीत तो करूंगा ही, जो भी निर्णय मैं लूं उसके पहले, लेकिन इस बार मन नहीं कर रहा है। साथियों, जैसा कि अभी आपने टीएस बाबा जी के विचारधारा सुना, उनका कहना है कि इस बार मैं चुनाव में शायद ही खड़ा होऊंगा। उन्होंने एक संकेत भी दे दिया है। देखिए साथियों, क्या हो सकता है इनके पीछे वजह, उस चीज़ें सोचने वाली बात होगी। इस बार चुनाव न लड़ने का उनका जो मन है, उनके पीछे कोई भी कारण हो सकता है। वर्तमान में आप सभी जानते हैं, जब भूपेश बघेल की सरकार, छत्तीसगढ़ में बघेल की जो सरकार बनी, तब भाजपा सरकार द्वारा हमेशा से उंगली उठाया जा रहा था कि 2.5 साल की सरकार है, नहीं टिकेगी। और वही चीज़ें हैं, सीनियर होते हुए भी टीएस बाबा को उनका अधिकार नहीं मिल पाना, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। साथ ही साथ आरक्षण की मुद्दे की जब हम बात करें, तो उन पर भी उनका कोई व्यक्तिगत विचारधाराएं भी हो सकती है। वजह जो भी हो साथियों, लेकिन इस बार चुनाव लड़ने और न लड़ने की बातें वो इनडायरेक्ट रूप से न्यूज़ के माध्यम से कही है।